कुछ सोच होती है, कोई विजन होता है, प्लानिंग होता है, और वो विजन, वो प्लानिंग, वो सोच, वो सपने जब हम लोगों को लेके पॉलिटिक्स करते हैं तो सब उनको घेर के वो सपने होते हैं, वो प्लानिंग होता है। तो हमारा भी ऐसा ही था, मेरे लोग, मेरा स्टेट, मेरा कॉन्स्टिट्यूएंसी, उनके लिए एक सपना देखा था, बेटरमेंट हो। राजनीति का यही मकसद होता है कि आप जहां हैं वहां से बेटर कहीं लेके जा सकें। तो हमारा भी यही था कि कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग, मेरे प्रदेश के लोग, स्टेट के लोग, उनके लिए एक अच्छा फ्यूचर मिले, स्पेशली द यूथ, युवा जो हमारा नेक्स्ट पीढ़ी है, हम उनको क्या देके जाएंगे। आज जो स्थिति है, जिसको हमने सुधारने की बहुत कोशिश की, बार बार सजेशंस दिए गए, पर उसका कोई अर्थ नहीं निकला। आज युवाओं को अगर फेसबुक पे, अपने सोशल साइट पे ये लिखना पड़े कि मैं अपना किडनी बेचना चाहता हूं, मुख्यमंत्री मुझे नौकरी दे दे, ये हमारे लिए शर्म की बात होनी चाहिए। आज पश्चिम बंगाल का यूथ, कोई भविष्य नहीं है उसका। आज पश्चिम बंगाल के यूथ के पास काम नहीं है। लॉकडाउन पीरियड में हमने देखा, पूरे हिंदुस्तान से जो लोग पश्चिम बंगाल की तरफ आ रहे थे, जो बाहर काम करते हैं लेबर सेक्शन, आपने उनका यूथ एज ग्रुप देखा, वो सब बिलो 40 थे, बिलो 35 कह सकते हैं। तो ये लाखों की तादाद में यूथ, इनको पश्चिम बंगाल में काम नहीं मिला, इसीलिए ये लोग मजबूर हुए बाहर जाने के लिए। लॉकडाउन पीरियड में वो मंजर दिखा हमें कि किस तरीके से छोड़ छोड़ के आए। आश्वासन मिला कि राज्य में ही काम मिलेगा, पर वो आश्वासन भी आश्वासन ही रहा, उन लोगों को फिर वापस जाना पड़ा, क्योंकि काम नहीं है। देयर इज नो इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द स्टेट, देयर इज नो इंडस्ट्रियलाइजेशन, देयर इज नो फ्यूचर प्लानिंग, देयर इज नो विजन, सिर्फ व्यक्ति आक्रमण है, राजनीति है, काम जीरो। आज एक स्टेट जो इतने दिनों के मिसरूल के बाद, 35 साल टू बी प्रेसाइज, बहुत उम्मीद के साथ एक सरकार को लेके आई थी, और उस उम्मीद पे वो सरकार खड़ी उतर पाई, आज पश्चिम बंगाल और बंगालियों का नाम जोड़ा जा रहा है करप्शन के साथ, जो कभी नहीं हुआ। आज हम इन चीजों को अटेन कर पाए, जो हमारे लिए शर्म की बात है। हम हमारे युवा पीढ़ी के लिए उनका भविष्य सुनिश्चित नहीं कर पाए, जो हमें करना चाहिए था, जिसकी उम्मीद थी। और हमने इस काम के लिए कभी भी बीच में कोई अड़ंगा नहीं डाला सरकार के। हमने कहा हमारी राजनीति जीरो हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, आप काम करिए, काम में रुकावट नहीं होना चाहिए। इसीलिए समर्थन भी किया था 2017 में, विधायक बनने के बाद भी, विधायक बने थे कांग्रेस के सिंबल पे, फिर भी समर्थन किया था, ताकि ये ना बोल पाए कि साहब आपने तो प्रॉब्लम क्रिएट किया, आप राजनीति करते रहे। हमने राजनीति नहीं किया, हमने आपको मौका दिया। बट उस मौके से मिला क्या कि हमें भी काम करने के लिए आपने हाथ पैर बांध दिए, हम काम नहीं कर पाए। और यही बात सिर्फ मैं नहीं, बाकी बहुत जगह से यही बात आप लोगों को सुनने को मिलेगा कि जो लोग एलिजिबल लोग हैं उन्हें काम करने के लिए नहीं दिया गया, उनके हाथ पैर बांध दिए गए। तो इस सिचुएशन से हम एक ही चीज सोच सकते हैं, भारतवर्ष के यशस्वी प्रधानमंत्री
नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, जो उनका सपना है आत्मनिर्भर भारत, वही तो हमारा भी सपना है कि आत्मनिर्भर शांतिपुर हो, आत्मनिर्भर पश्चिम बंगाल हो। तो इसीलिए मेरा सविनय निवेदन है, मैं तो ज्वाइन कर ही रहा हूं नरेंद्र मोदी जी के साथ, उनके आशीर्वाद लेके भारतीय जनता पार्टी में। मेरा आप लोगों के माध्यम से पश्चिम बंगाल के हर एक परिवार, हर एक सदस्य के पास ये सविनय निवेदन है कि पश्चिम बंगाल को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, पश्चिम बंगाल के युवा संप्रदाय को अपने पैरों पे इज्जत के साथ खड़े होने के लिए कि वो सर उठा के चले, उन्हें रोजगार मिले और पश्चिम बंगाल फिर से वही पुराने अपने इतिहास के साथ, अपने सम्मान के साथ खड़ा हो। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विश्वास रखें, भारतीय जनता पार्टी को खुल के समर्थन दें पश्चिम बंगाल के लिए, समाज के लिए, पश्चिम बंगाल के, आपके घर के लिए, आपके भविष्य के लिए। धन्यवाद जी। सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों बंगाली अस्मिता को चैलेंज करेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे हिंदुस्तान का है और हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये कहता है कि किसी भी धर्म, किसी भी मत, किसी भी जाति के हिसाब से कहीं मतभेद नहीं होना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रवादी पार्टी है, तो ये भेद क्यों करेंगे? आपको जो सूट करता है राजनीति में, आप उस हिसाब से किसी के ऊपर कोई भी लांछन लगा देंगे और सम्मान लेंगे, ये थोड़ी होता है।